हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है कोसेट्स का। सो इस लेक्चर में हम थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एच बिलोंग्स टू एच देन राइट कोसेट इज इक्वल टू सब ग्रुप इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट। सो हमें थ्योरम में क्या करना है, हमारे पास जो एच है वो कोई भी सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ओके और एच एलिमेंट है सब ग्रुप एच से, तब हमें प्रूव करना है जो राइट कोसेट होता है वो सब ग्रुप के इक्वल होता है और जो लेफ्ट कोसेट्स होता है वो भी सब ग्रुप एच के इक्वल होता है। ओके, सो इस थ्योरम में हम सिर्फ राइट कोसेट वाला केस करेंगे, ओके और फिर सिमिलरली करके लिख देंगे कि हम लेफ्ट कोसेट के लिए प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें प्रूव करना है ये राइट कोसेट इज इक्वल टू सब ग्रुप एच। ओके, जब भी हम इक्वालिटी को प्रूव करना चाहते हैं तब हम कैसे प्रूव करते हैं, अब हमें प्रूव करना है कि एच ऑफ एच इज इक्वल टू एच। ओके, सो हम क्या कंडीशन दिखाते हैं, इसमें दो ही कंडीशन दिखाते हैं। फर्स्ट इज एच ऑफ एच इज कंटेन्ड इन एच, एक ये दिखाएंगे। सेकेंड एच इज कंटेन्ड इन एच ऑफ एच। सो इन दो कंडीशन से हम बोल देंगे कि जो राइट कोसेट है वो किसके इक्वल है, सब ग्रुप एच के इक्वल है। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम ये फर्स्ट कंडीशन दिखाते हैं इसमें। तो इसको फर्स्ट कंडीशन दिखाने के लिए राइट कोसेट से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट को सब ग्रुप एच से बिलोंग कराना पड़ेगा, तब हम बोल देंगे कि एच ऑफ एच किस में कंटेन है, एच में कंटेन है। तो सबसे पहले तो हम सब ग्रुप से ही एलिमेंट लेते हैं। लेट एच डैश बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच। ओके, एच डैश हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया सब ग्रुप एच से। ओके, सच डैट एच डैश एच बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच ऑफ एच। क्योंकि देखो हमारे पास जो एच डैश था वो एच का एलिमेंट था। ओके, एच डैश किसका एलिमेंट था, एच का एलिमेंट था। सो एच डैश एच अभी इस टाइप का एलिमेंट किस में जाएगा, क्योंकि एच डैश एच से बिलोंग करता है और एच यहाँ पर, सो ये राइट को सेट का एलिमेंट होगा। ओके, सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसे कि जो एच डैश एच होगा वो किससे बिलोंग करेगा, एच ऑफ एच से। क्लियर इतना। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें पहले ये दिखाना है कि एच ऑफ एच इज कंटेन्ड इन एच। सो इससे हमने एलिमेंट ले लिया एच डैश एच, इस टाइप का एलिमेंट होगा इस राइट कोसेट में। अब हमें प्रूव करना है कि ये एलिमेंट सब ग्रुप एच से बिलोंग करेगा। ओके, सो इसको सब ग्रुप एच से बिलोंग करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन है एच सब ग्रुप और एक एलिमेंट एच से गिवन है स्मॉल एच। ओके, सो यहाँ से लिखते हैं आप, नाउ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी ये गिवन है हमें। अगर ये सब ग्रुप है सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर एच डैश और एच बिलोंग्स टू एच। अब देखो यहाँ से ये क्या इंप्लाई करेगा, हमारे पास एच क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो इटसेल्फ ग्रुप है। अगर इटसेल्फ ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट किससे बिलोंग करेगा, एच से ही बिलोंग करेगा। क्योंकि एच हमारे पास जो एलिमेंट था वो गिवन था सब ग्रुप का और एच डैश हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना था सब ग्रुप एच से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से एच से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि एच क्या है, इट सेल्फ ए ग्रुप है सब ग्रुप होने के कारण। सो हम एलिमेंट एच डैश एच राइट को साइड से लेकर चले थे और हमने वो एलिमेंट सब ग्रुप में निकाल दिया, डैट मीन्स वो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे। तो इसका मतलब कि जो राइट को साइड एच ऑफ एच होगा वो किस में कंटेन होगा, सब ग्रुप एच में। फर्स्ट कंडीशन हमने दिखा दी इसके अंदर कि जब हम एलिमेंट एच ऑफ एच से लेकर चले थे और हमने सब ग्रुप एच से बिलोंग करा दिया, अब हम एलिमेंट सब ग्रुप एच से लेकर चलेंगे और उसको राइट कोसेट एच ऑफ एच से बिलोंग करा देंगे कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो हमारा एच किस में कंटेन हो जाएगा, एच ऑफ एच में।
तो चलिए अब देखते हैं हम कन्वर्स सीरीज का पार्ट। सो इसके लिए हम कोई भी एलिमेंट एच से लेंगे और उसको एच ऑफ एच में दिखाएंगे। सो लेट अस से मैं वो एलिमेंट ले रहा हूँ एच वन। एच वन कोई भी एलिमेंट है हमारा, किससे लिया हमने एच से, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, क्लियर। अब देखो एच वन किस में है, एच में है, और हमारे पास गिवन क्या है कि जो एच है वो भी इसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। एच इटसेल्फ ए क्या है, एच क्या है, सब ग्रुप है, इटसेल्फ ए ग्रुप है, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एच का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब एच इनवर्स भी एच का एलिमेंट है और एच वन भी एच का एलिमेंट है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एच वन और साथ में मेरे पास जो एच इनवर्स है वो किसके एलिमेंट है, दोनों एच के एलिमेंट है, क्लियर। अगर दोनों एच के एलिमेंट हो गए सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि इटसेल्फ एक ग्रुप भी है, सब ग्रुप, इन दोनों की प्रोडक्ट किस में जाएगी, एच से ही बिलोंग करेगी इन दोनों की प्रोडक्ट, क्लियर। तो एच वन और एच इनवर्स किस से बिलोंग कर गया, एच से बिलोंग कर गया। अगर ये एच से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं दोनों साइड एच अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एच वन एच इनवर्स एच बिलोंग्स टू एच ऑफ एच, क्लियर। सो यहाँ से मेरे पास अब क्या आ जाएगा, जो ये एलिमेंट है मेरे पास एच इनवर्स एच, ये आइडेंटिटी होता है, तो एच वन इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच ऑफ एच, दैट मीन्स आइडेंटिटी के साथ कोई एलिमेंट ऑपरेट होता है वही एलिमेंट मिलता है। सो एच वन बिलोंग्स टू एच ऑफ एच, एलिमेंट किससे लेकर चले थे, एच से लेकर चले थे, बिलोंग किस में करा दिया, एच ऑफ एच में, और ये एलिमेंट क्या था, आर्बिट्री एलिमेंट था, हर एक एलिमेंट के लिए बाटरी हो रही है। सो दैट मीन्स यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयर फोर एच इज कंटेन्ड इन एच ऑफ एच। ओके, सो ये सेकेंड कंडीशन भी हमने यहाँ से प्रूव कर दी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बोल सकते हैं कि एच ऑफ एच किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल आ गया। सो राइट कोसेट इज इक्वल टू सब ग्रुप एच। ओके, सो इस तरह हमने इसको प्रूव किया। सिमिलरली करके हम लेफ्ट के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट में जो ये एच है ये लेफ्ट साइड, आप जहाँ पर ये राइट साइड लिखा है इसको लेफ्ट साइड लिख के सिमिलरली ये प्रूव हो सकता है। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट लगे इस प्रूफ में, बिल्कुल सिंपल प्रूफ था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके।